नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। जी हाँ, एमए प्रथम सेमेस्टर का गृह विज्ञान है। और आप सबका पेपर फर्स्ट क्या है बच्चों? फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। जी हाँ, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस अर्थात आहार एवं पोषण विज्ञान। और बच्चों, आहार एवं पोषण विज्ञान में कुछ बीमारियों के बारे में भी बताया गया है, और उन बीमारियों को याद रखना भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर वर्ष पेपर में एक ना एक प्रश्न अवश्य बनता है बीमारियों से संबंधित। हर एक खंड में, जितने तीन खंड में पेपर होते हैं, तीनों खंड में अक्सर देखा जाता है कि हर एक खंड में एक प्रश्न अवश्य ही बीमारी से संबंधित आता है। यदि देखा जाए शॉर्ट प्रश्न में अर्थात खंड आ में, इसमें भी शॉर्ट में कुछ पूछ लेते हैं बीमारियों से संबंधित, कुछ प्रश्न अवश्य पूछ लेते हैं। तो बच्चों, इसलिए आप सब बीमारियों के बारे में भी अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से ध्यान से, जिससे कि आप सब आसानी से लिख सकें। जैसा मैंने इससे पहले आप सबको बताया था कि जो डाइट इन रिलेशन टू डिजीज़, जो आहार आयोजन है बीमारियों में, कैसे कैसे आप आहार का प्रबंधन करेंगी, कैसे आहार का आयोजन करेंगी, ये मैंने पढ़ाया था। आज हम लोग हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में जानेंगे, क्योंकि ए वायरस और बी वायरस इस समय बहुत चल भी रहा है। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे पूरा देखना, क्योंकि इसमें जो पढ़ाने वाली हूँ आई होप ये आपके पेपर में भी आएगा। ओके, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें। और देखते हैं क्या है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा हेपेटाइटिस है। जी हाँ, हेपेटाइटिस रोग, पहले हम लोग जान लेते हैं हेपेटाइटिस रोग होता क्या है बच्चों, क्योंकि पहले इसके बारे में जानना भी आवश्यक होता है। जो हेपेटाइटिस होता है, एक बात बताएं, जैसे बच्चा नवजात शिशु जन्म लेता है, उसे हेपेटाइटिस का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। इस समय तो सरकारी इंजेक्शन भी उपलब्ध हैं जो हेपेटाइटिस ए और बी के लगाए जाते हैं शिशु को। तो देखते हैं क्या है हमारा हेपेटाइटिस के ही पीलिया है। जी हाँ बच्चों, जो जेंडिक्स होता है, पीलिया होता है, वही ही हेपेटाइटिस होता है। आम साधारण हेपेटाइटिस पीलिया के नाम से जाना जाता है, और हम लोग उसे साधारण भाषा में पीलिया कहा जाता है, और उसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। और हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं बच्चों, जैसे ए है, बी है, आई है और सी है, जिसमें ए और बी काफ़ी खोज हो चुकी है। जो ए और बी है, इसके विषय में बहुत ही खोज हो चुकी है। और यह पानी से होने वाला रोग होता है बच्चों, यह कैसा जल जनित रोग होता है, याद रखना। हेपेटाइटिस कौन सा रोग होता है? जल जनित रोग होता है। यह यकृत संबंधी लंबे समय तक चलने वाला रोग होता है। यह रोग जिसे हो जाता है, बहुत लंबे समय तक चलता रहता है ये रोग, जिसे ठीक होने में कम से कम 2 माह लग जाते हैं। जी हाँ, 2 माह लग जाते हैं कम से कम। आप सब कमेंट में बताइएगा किसे किसे पीलिया हुआ है, हो चुका है लाइफ टाइम में अब तक। ओके, तो यह रोग वायरस द्वारा फैलता था, और अभी तक इस रोग के संबंध में अनेक भ्रांतियां थी। रोगी को खाने को हल्दी नहीं दी जाती थी। जो आप सबको पता होगा, जो ग्रामीण समाज से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कि गांव में ऐसा होता है कि जो पीलिया जेंडिक्स का पेशेंट होता है, उसे हल्दी नहीं दी जाती है। कहते हैं कि हल्दी मत खाओ, क्योंकि शरीर पर पीलापन आ जाता है। और झाड़ फूंक करवाया जाता था, और इसके बाद झाड़ फूंक भी कराई जाती थी। पर इस समय बहुत ही दुनिया जागरूक हो चुकी है, इस सब पर बिलीव आप भी मत किया करो। ओके, दवाओं पर विश्वास रखें, क्योंकि वास्तव में पीलिया की कोई दवा नहीं है। जो दवाएं दी जाती हैं, यह यकृत के लिए तथा शरीर की रोग रोधन क्षमता बढ़ाने हेतु दी जाती हैं। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसे बढ़ाने के लिए दी जाती है ये दवाइयाँ, किंतु यह गंभीर रोग है। अब संक्रामक रोग जिनके टीके सुरक्षा हेतु लगाए जाते हैं, उनकी सूची में हेपेटाइटिस भी जुड़ गया है। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसके बारे में, इसके लक्षण, इसके उपचार, और ये इसके बचने के उपाय, ये सभी के बारे में डिटेल में हम लोग इसमें जानेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चों, ए वायरस हेपेटाइटिस? जी हाँ, उद्भव काल इसका क्या है? सामान्यतः 30 दिन, वैसे कम से कम 10 दिन, अधिकतम 40 दिन, या बच्चे, जवान, बूढ़े, किसी को भी हो सकता है।
इसके जीवाणु रोगी के मल द्वारा फैलते हैं। यदि प्रश्न में बनता है हेपेटाइटिस ए वायरस के जीवाणु किससे फैलते हैं, तो रोगी के मल के द्वारा फैलते हैं। लक्षण क्या है? भूख न लगना, जाहिर सी बात है जब हेपेटाइटिस का पेशेंट होगा उसे भूख कहाँ से लगेगी, और उसे खाने के प्रति अरुचि हो जाती है क्योंकि फीवर भी इस बीमारी में फीवर भी होता है, और पेट दर्द तथा पेट में भारीपन हो जाता है, कब्ज तथा उल्टी का होना, सिर दर्द, बुखार आना, 2 से 3 दिन में बुखार ठीक हो जाता है, त्वचा तथा आंखों के रंग में पीलापन आ जाना, जाहिर सी बात है जैसे ही जंडिक्स होगा, हेपेटाइटिस ए वायरस होगा, वैसे ही पता चल जाएगा कि शरीर का अंग पीला हो जाता है, पेशाब का रंग भी पीला हो जाता है, यकृत में सूजन आना तथा यकृत बढ़ जाता है जिसका प्रभाव पित्ताशय पर पड़ता है और पित्ताशय दबता है, और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना, वीकनेस अर्थात कमजोरी अत्यधिक महसूस होना। और उपचार देख लें बच्चों, उपचार में क्या करना चाहिए, यदि जिसे हेपेटाइटिस ए वायरस हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए, रोगी को अलग साफ कमरे में रखें। जी हाँ, अक्सर हर एक बीमारियों में रोगी को, पेशेंट को अलग रूम में रखना चाहिए, और उसे उबाले पानी का प्रयोग करें, और उस रोगी व्यक्ति को उबाले पानी का प्रयोग करने के लिए बोलें या उसे उबाला पानी ही अवश्य दें। नेक्स्ट है, पानी में ग्लूकोज घोलकर अधिक से अधिक मात्रा में पिलाएं, और गन्ने का रस, मौसमी का रस, और ताकि फ्रक्टोज मिले, ये इन सबों में फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज की अधिक आवश्यकता होती है, तो गन्ने का रस और मौसमी का रस जरूर देना चाहिए। कार्बोजयुक्त भोजन, चावल, आलू का भी प्रयोग करना चाहिए। चिकनाई युक्त मसाले तथा भोजन न दें। जी हाँ, मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, स्पाइसी बहुत ही हार्ड होता है पीलिया के पेशेंट के लिए, और ना ही ज़्यादा चिकनाई अर्थात वनस्पति वसा भी मत दें, ओके। और मूली, मूली का रस दें, और ये मूली कौन खाएगा, कौन मूली का रस पिएगा फीवर ओ जंडिक्स में, पर ये फायदेमंद होगा बच्चों, जरूर पीना अगर जिसे पी लिया हो। पूर्ण विश्राम दें, जी हाँ रेस्ट जरूरी होता है। और बचाने के उपाय क्या हैं, पानी उबाल कर पिए, स्वास्थ्य अधिकारी को रोगी की सूचना दें, खाने की वस्तुएं ढककर रखें, चिकनाई वाला भोजन कम प्रयोग करें, ओके। फिर उसके बाद प्रारंभ में जब रोगी को भोजन के प्रति अरुचि हो तब तरल भोजन दें, जैसे भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है, जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, तो उसे पानी अर्थात तरल भोजन देना चाहिए। उबाले पानी में ग्लूकोज घोलकर गन्ने का रस, मौसमी का रस दें, और भोजन में वह भोज्य पदार्थ दें जिनमें कार्बोज की मात्रा अधिक से अधिक मात्रा में हो, और चिकनाई रहित दूध दही देना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, बच्चों बी है, ये इसमें सही से दिख नहीं रहा है, आप सब समझना, बी है, बी है, बी है, ओके। बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस है, ओके। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसे सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, बी वायरस को हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। यह खतरनाक रोग है, उचित उपचार न मिलने पर यकृत काम करना बंद कर देता है। बी वायरस जब जिसको हो जाता है बी वायरस हेपेटाइटिस, तो उसका यकृत काम करना बंद कर देता और शरीर में पानी भर जाता है, जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बी वायरस हेपेटाइटिस को लीवर सिरोसिस भी कहा जाता है, जिसका अंत मृत्यु ही होता है। उद्भव काल क्या है इसका, 3 माह या बच्चे, बड़े, वृद्ध, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, या लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है। लक्षण क्या है बच्चों, जी मिचलाना, तीव्र ज्वर, और यकृत में सूजन तथा यकृत बढ़ जाना, धीरे धीरे यकृत खराब होने लगता है तथा काम करना बंद कर देता है। यदि जिस रोगी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाता है, उसके यकृत काम करना बंद कर देते हैं, उसके यकृत में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है, मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है उपचार, जी हाँ उपचार में क्या होता है बच्चों, पूर्ण विश्राम देना चाहिए। जी हाँ, हर एक रोगी पेशेंट को पूर्ण विश्राम की बहुत आवश्यकता होती है, और चिकनाई युक्त भोजन न दें, और उबाला कार्बोजयुक्त भोजन दें, नमक का प्रयोग कम करें, डॉक्टर के निर्देश के अनुसार रोगी की देखभाल करें। बचने के उपाय में देखते हैं क्या है, स्वास्थ्य स्थिति में ही अनेक संक्रामक रोगों की तरह इसके बचाव हेतु तो रोग निरोधक टीका अवश्य लगवा लें। बच्चों याद रखना, बच्चों को जो है
आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी हेपेटाइटिस का टीका लगता है बच्चों को, तो जरूर जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या आशा कार्यकर्ता हैं, यदि आपके गांव में आते हैं आपके आसपास कहीं, तो उनसे जरूर संपर्क करें, अपने बच्चों को हेपेटाइटिस का टीका अवश्य लगवाएं। क्या होगा, इससे बहुत ही फायदा होने वाला है, आपके बच्चे को जल्दी से हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी ये सब रोग होने की संभावना नहीं रहेगी, और आप अपने बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाने के लिए ये टीका अवश्य लगवाएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय माता रानी।